भारत से सीरीज हारने के बाद बुरी तरह से बौखला चुके हैं न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम। अपने बयान में कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। रोहित शर्मा को हार का जिम्मेदार बताते हुए टॉम लैथम ने क्या कहा, आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो पर लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने वनडे सीरीज को जीतकर 2023 की मात्र 21 दिनों के अंदर दूसरी वनडे सीरीज जीती है। दोस्तों, इससे बड़ी सफलता और क्या होगी। भारतीय टीम ने ना सिर्फ श्रीलंका को हराया बल्कि अब न्यूजीलैंड टीम को भी हरा दिया है। लेकिन दूसरे वनडे मैच में भारत की जीत का सबसे मजबूत स्तंभ बने मोहम्मद शमी। दोस्तों, रोहित शर्मा टॉस जीतकर भूल गए थे कि उन्हें क्या चुनना है, लेकिन जब याद आया तो गेंदबाजी चुनी और सिलेक्शन बहुत ही तगड़ा किया। पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने शमी को नई गेंद थमाई और शमी ने वो रिजल्ट लाकर भी दिया तो हर किसी को चाहिए था। शमी ने आते ही पहले ही ओवर की पांचवी बॉल पर फिन एलन को बोल्ड मार दिया। दोस्तों, यहां से पता चलता है कि मोहम्मद शमी की रफ्तार उनके कॉन्फिडेंस से कितना ज्यादा मेल खा रहे थे और वहीं से शुरू होती है भारत की जीत की दास्तान। अगले पांच ओवरों में जाके सिराज न्यूजीलैंड की एक विकेट निकालते हैं, लेकिन फिर से शमी अपना कमबैक करते हैं और फिर तो ऐसे ऐसे विकेट दिलाते हैं जिससे पूरा मैच ही पलट जाता है। दोस्तों, आगे चलकर शमी ने डेरेन मिचेल को कॉटन बोल्ड किया और फिर भारत को शमी ने उस आक्रामक खिलाड़ी का विकेट दिलाया जिसने पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की थी बल्कि 140 रन जड़कर भी गए थे। उनका नाम है माइकल ब्रेसवेल। पारी की 19वें ओवर में शमी ने ब्रेसवेल को आउट करके भारत को विनिंग पोजीशन में ला दिया और इसी विकेट के साथ शमी के 3 विकेट पूरे हो गए थे और न्यूजीलैंड की टीम 108 रन पर ही दम तोड़ देती है। दोस्तों, फिर तो भारत की जीत निश्चित ही पक्की थी। उसके बाद रोहित आए, 51 रन लगाए, सुमन गिल आए, 40 रन बनाए और बड़ी ही आसानी से 2 विकेट गवाकर 8 विकेट के अंतर से इस मुकाबले को पूरे 30 ओवर के अंतर से जीत गई। दोस्तों, भारत की जीत को देखकर हर कोई खुश था, लेकिन केवल एक खिलाड़ी को छोड़कर, और दोस्तों वो हैं न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम। दोस्तों, न्यूजीलैंड टीम के कप्तान टॉम लैथम ने रोहित शर्मा और कोहली की कप्तानी और पिच कंडीशन को अपनी हार का जिम्मेदार बताया। दोस्तों, टॉम लैथम ने अपने बयान में कहा, पहले मैच में हमने जिस तरह फाइट बैक किया था उम्मीद थी वैसे ही फाइट बैक के पैशन से इस दूसरे मैच को भी जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ की पिच कंडीशन हमारे खिलाड़ियों के पल्ले ही नहीं पड़ी। ये मैं एक्सक्यूज नहीं देना चाहूंगा, लेकिन हमारे खिलाड़ी भारतीय टीम की गेंदबाजी का सामना ही नहीं कर पाए जिस गेंदबाजी की रणनीति के साथ भारतीय टीम आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि पिच कंडीशन गेंदबाजी के लिए ही बनाई गई थी जिससे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने भाग्य से टॉस जीत गए और फिर मैच भी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि टीम इंडिया की बॉलिंग आज बहुत ही घातक थी और हमारे खिलाड़ियों की बल्लेबाजी पूरी तरह से असाधारण, जिसके चलते हम सीरीज भी हार गए। और साथ ही साथ मैं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की भी तारीफ करना चाहूंगा जिनको महान खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली का हमेशा साथ मिलता है और उसी सपोर्ट के चलते भारतीय टीम किसी भी टीम पर हावी पड़ जाती है। भारतीय टीम क्रिकेट जगत की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक है। दोस्तों, अगर आप भी टॉम लैथम द्वारा विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में कही हुई बात से पूरी तरह सहमत हैं तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।